और इस वक्त की अहम खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। पीएम ने यहां 27,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में उद्घाटन किया है। ये देखिए बेंगलुरु से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। करोड़ों की सौगात आज दी गई है स्टेट को, और किस तरह से बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री भी तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए अपनी कार से निकलकर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कई अहम सौगातें मिली हैं बेंगलुरु को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कर्नाटक के बेंगलुरु में, और वहां पर हम देख सकते हैं भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। 27,000 करोड़ की सौगात बेंगलुरु को मिली है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तमाम योजनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी की तरफ से, और दूसरी तरफ भव्य स्वागत किस तरह से हुआ है प्रधानमंत्री का वो आप देख रहे हैं। सीधे आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं। कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आज क्या कार्यक्रम है? जाहिर है कई अहम सौगातें बेंगलुरु को दी गई हैं, भव्य स्वागत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहां मौजूद हैं आप और क्या है कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? देखिए समीर, मैं इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हूं और बेंगलुरु से 20 किलोमीटर दूर एक आउटस्कर्ट है कनकपुर जी, उस जगह पे प्रधानमंत्री की एक रैली होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद, वहां पे मौजूद हूं। सबसे अहम बात यह है कि अभी से ठीक एक साल बाद यहाँ पे चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होंगे कर्नाटका में, और कहीं ना कहीं एक जो चुनावी सौगात जो होती है प्रधानमंत्री ने दिल खोल के दिया है, और 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एक बड़ी रकम होती है, जिसमें कि रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि यशवंतपुर जो स्टेशन है उसका डीडेवलपमेंट है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को पूरी एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन बनाया गया है। देश का अकेला पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि फुल्ली एयर कंडीशन होगा, जो कि हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि एयरपोर्ट जो है फुल्ली एयर कंडीशन होता था, लेकिन हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन में बैंगलोर का जो है एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन पहला स्टेशन होने जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका पीएम उद्घाटन कर रहे हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो बहुत सारे लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। यहां से कोंकण रेलवे जो जाती है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा हुबली तक जाने के लिए भी अलग अलग परियोजनाओं का जो है प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, उनका भी प्रधानमंत्री यहां शिलान्यास कर रहे हैं। इस वक्त जहां प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है उस जगह पे मौजूद हूं और हमारे साथ तमाम बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं पीएम अभी आने वाले हैं इधर? बहुत एक्साइटेड है सर, बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे इधर आएंगे करके। हम बहुत लकी लोग हैं कि हम लोग सामने देख रहे हैं मोदी जी को, और आने के बाद देखना है। हम सारे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। किस तरीके से, क्या क्या सोचा है प्रधानमंत्री ने? बहुत कुछ आज दिया है आप लोगों को। बहुत कुछ दिया है, कुछ यू कांट टेल सिंगल वन थिंग, बहुत कुछ दिया है। पहले बोलने व्हाट आई वांटेड टू से, देश और धर्म वो दोनों का समझ करके मोदी जी ये करता है। हम लोग भगवान जैसा समझता है, वी थिंक इज अ इनकर्नेशन ऑफ गॉड, कलयुग में और एक अवतार है। ठीक है कुमार, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और ये ताज़ा जानकारी हमें देने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे से रिलेटेड आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।